दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मुख्यमंत्री पर अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयान पर जिला मंडी भाजपा ने कड़ा संज्ञान लिया है। प्रतिभा सिंह पर निशाना साधते हुए जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रजवाड़ा शाही के जाल से अभी तक निकल नहीं पाई है और प्रदेश की जनता के प्रति उनकी सोच उनके बयान से झलक रही है। मंडी भाजपा के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक गरीब परिवार से निकले व्यक्ति हैं और जनता के बीच जाकर बिना किसी भेदभाव के लगातार संवाद करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के बीच जाना अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं और यही कारण है कि यह पार्टी देश भर से विलुप्त होती जा रही है। वहीं रणवीर सिंह ने प्रतिभा सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद लोगों की सेवा के लिए होता है, लोगों की समस्याओं को समझने और दूर करने के लिए होता है, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री जनता के घर द्वार जाता है तो लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार प्रदेश की जनता के कल्याण और उत्थान में लगातार प्रयत्नशील है और प्रदेश की जनता ईमानदार नेतृत्व पर गर्व करती है। आज कल कांग्रेस की अध्यक्ष और मंडी संसदीय क्षेत्र की लोकसभा सांसद ने एक बयान हमारे माननीय मुख्यमंत्री के उनके निमंत्रण पर दिया, उस पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार से निकला हुआ मिस्त्री का बेटा और भारतीय जनता पार्टी का संगठन से निकले हुए मुख्यमंत्री अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के शिमला आने पर एक खुद निमंत्रण देने उनके घर जाते हैं तो उनको तो उसका स्वागत करना चाहिए था और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए थी कि एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने के नाते संगठन के लिए कितना उनके लिए संगठन पहले है। उससे तो माननीय सांसद जी को प्रेरणा लेके अपने संगठन में भी इस रीति नीति को लाना चाहिए था। उसके विपरीत उन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति और जनता को भ्रमित करने के लिए जो बयान दिया उसके लिए उन्हें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं उसका तो उन्हें तहे दिल से स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहिए था और उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हम भी अपनी संगठन में आप जैसा कुछ सीखेंगे और हम अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।